Welcome to my class English with Preeti ma'am. Today we are going to study tense. Tense is the basic thing in English. अगर आपका tense का concept clear है तो समझ लीजिए आपको पूरी English आ गई. Because without the knowledge of tense you cannot do direct indirect narration, active passive or anything. So first today we are going to study this tense and just do study carefully. जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं there are three kinds of tense. Present tense, past tense and future tense. ये tense होता क्या है? Tense means time. ये time के बारे में बताता है. Present के बारे में बताता है, जो बीत गया उस past के बारे में बताता है और future के बारे में बताता है जो आने वाला कल है. तो हर tense के यानी इस tense को तीन parts में divide किया गया है और हर parts के चार sub parts होते हैं. Okay? It has been divided in four sub parts. जैसे present tense. अगर हम सिर्फ present tense को लें तो प्रेजेंट टेंस के चार सब पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से हैं वो? पहला है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस. इनडेफिनिट यानी इसका कोई डेफिनेट टाइम के बारे में नहीं बताता. यानी ये टेंस हमें किसी पर्टिकुलर टाइम के बारे में नहीं बताता. जैसे हम कहें कि मैं आज वह स्कूल जाता है, तो वह स्कूल जाता तो है लेकिन कब जा रहा है, आज जा रहा है, कल जा रहा है, ऐसा कुछ क्लियर नहीं बताया गया. ठीक है, तो ये होता है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस. अब इसे इनडेफिनिट कम और सिंपल प्रेजेंट टेंस ज्यादा कहा जाता है. तो इसका दोनों नाम है प्रेजेंट डेफिनेट एंड प्रेजेंट सिंपल. नेक्स्ट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि ये उस एक्शन के बारे में हमें बताता है जो कि कंटिन्यू है, जो कि अभी जारी है, अभी चल रहा है. ये टेम्परेरी एक्शन जो भी होते हैं, चल रहे होते हैं, उसके बारे में हमें बताता है. नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें ये बताता है कि कोई भी एक्शन जो अभी अभी बिल्कुल कंप्लीट हुआ है, फिनिश हुआ है, जो कोई काम खत्म हो चुका रहता है, जब खत्म हो गया रहता है उसके बारे में. जैसे वो स्कूल चला गया या मैंने अपना काम कर लिया, वो खाना खा चुका, तो इस तरह के टेंस को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. क्लियर. एंड लास्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. स्टूडेंट देखिए ये खुद ही दो टेंस का कॉम्बिनेशन है, परफेक्ट का और कॉन्टिन्यूअस का. परफेक्ट इसमें ये दिखाता है कि कोई भी वर्क, कोई भी काम जो पिछले कुछ दिनों से या कुछ सालों से या कुछ घंटों से चल रहा है, शुरू हुआ था और वो अभी भी कंटिन्यू है, यानी वो फिनिश नहीं हुआ. जैसे टीचर दो घंटे से क्लास ले रही है, यानी पिछले दो घंटे से वो क्लास ले रही है और अभी भी क्लास चल रही है, अभी भी फिनिश नहीं हुई है. तो इस तरह के टेंस को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. क्लियर. तो आई वॉन्ट टू रिपीट, लिसन अगेन. टेंस. टेंस मीन्स टाइम. इट टेल्स यू अबाउट द टाइम. There are three kinds of tense, present tense, past tense and future tense. और हर tense के अपने चार अलग अलग sub kind होते हैं, चार प्रकार होते हैं. जैसे अगर हम सिर्फ present tense को लें तो present के चार sub kinds कौन कौन से हैं? Present definite tense, जिसको अब modern language में present definite कम और simple present tense ज्यादा कहा जाता है. तो पहला हो गया present simple. Next है present continuous, जो हमें ये बताता है कि कौन सा action चल रहा है. नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट, जो ये बताता है कि कौन सा एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ है, कौन सा काम अभी अभी पूरा हुआ है. एंड लास्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो ये आपको बताता है कि कोई भी काम जो पिछले कुछ समय से चल रहा था और अभी भी वो चल रहा है. ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस. इसी तरह जैसे प्रेजेंट के चार सब काइंड्स है, उसी तरह पास्ट के भी चार सब काइंड्स है. सिर्फ आपको जैसे यहाँ प्रेजेंट लिखा उसे हटा कर यहाँ पे पास्ट करना पड़ेगा. पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इसी तरह चार प्रेजेंट के, चार पास्ट के और चार फ्यूचर के, टोटल 12 तरह के टेंस होंगे जो आपको पढ़ने रहेंगे. अगर टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू स्पीक, टू डू एनी काइंड ऑफ सेंटेंस सॉल्व. यू कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ सेंटेंस. जैसे आपको अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन कराया जाएगा, एक्टिव पैसिव कराया जाएगा, कंडीशनल सेंटेंस, यानी कोई भी सेंटेंस होगा किसी भी टाइप का, तो यू कैन डू इजिली इफ यू हैव द प्रॉपर नॉलेज ऑफ टेंस. तो स्टूडेंट इसको बहुत केयरफुली पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत, इट इज टू नेसेसरी टू लर्न इंग्लिश. ओके, तो नाउ टूडे वी आर गोइंग टू टेक फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट इंडेफिनेट अदरवाइज प्रेजेंट सिंपल टेंस. आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं. ओके, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस. ओके
ओके कनाडा. सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस. स्टूडेंट प्रेजेंट डेफिनेट टेंस हमें ये बताता है कि कोई भी काम मतलब जिस वाक्य जिस सेंटेंस के एंड में लास्ट में ता ते ती आता है तो वही प्रेजेंट टेंस हमारा कहलाता है. जैसे ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऐसा तो बहुत डेप्थ में आपको जाएंगे तो थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, लेकिन ये आप जब और एडवांस पढ़ेंगे तब आपको जानकारी होगी. अभी बेसिक यही है कि जिस सेंटेंस के अंत में ता है ते है ती है आता है वो आपका प्रेजेंट टेंस कहलाता है. जैसे टीचर स्टूडेंट को पढ़ाती है या स्टूडेंट पढ़ते हैं, मेरा भाई रोज स्कूल जाता है, वो रोज यहाँ ट्यूशन पढ़ने आती है, तो ये ता ते ती हर सेंटेंस में खत्म हुआ. तो इस तरह के सेंटेंस को कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस. ओके, और इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है. इसमें कोई भी सेंटेंस में ये उसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब आप सोचेंगे सब्जेक्ट क्या है, जो डूअर होता है यानी जो एक्शन, जैसे कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जरूर होगा और वर्ब जरूर होगा. अगर कोई भी सेंटेंस में ये दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है तो वो कभी भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं बन सकता. सब्जेक्ट कौन होता है, जो एक्शन कर रहा, कोई भी इंसान कोई भी सामान कोई भी चीज लिविंग और नॉन लिविंग जो एक्शन कर रही वही आपकी सब्जेक्ट है. जैसे हम कहें ही शी इट आई वी दे यू या किसी का नाम हो, ये नाम क्या है, नाउन. प्रोनाउन क्या हुआ, ही शी इट आई वी दे यू, या कोई नॉन लिविंग थिंग हो या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो जैसे ऑनेस्टी है कुछ भी, तो वो आपका कहलाएगा सब्जेक्ट. यानी जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट है. जैसे हम क्या, वह रोज स्कूल जाता है, तो ये क्या है, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया. क्लियर. अब उसके बाद वर्ब, जैसे ही सब्जेक्ट आता है उसके तुरंत बाद हमारा वर्ब आता है. वर्ब आप जानते हैं, वर्ब की तीन फॉर्म होती है, प्रेजेंट पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल. जैसे आपका है प्ले प्लेड प्लेड, गो वेंट गॉन, डू डिड डन. ये थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब है. एक क्लास में आपकी उसकी भी लूंगी फॉर्म्स ऑफ द वर्ब जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा और आप उसे लर्न करिएगा, क्योंकि फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इज द बेसिक थिंग टू लर्न दिस टेंस. अगर वो आपको आता है तभी आप टेंस प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे. तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है ही, और फिर उसके बाद हम वर्ब लगा. जैसे वह स्कूल जाता है तो जाने को क्या कहता है, हमारा एक्शन क्या हो रहा है, जाना. जाने को क्या कहते हैं, गो. तो इसमें हो जाएगा ही गोज, फिर अदर भी कहाँ जा रहा है, स्कूल, टू स्कूल. तो इसमें हमने क्या मेन आया कि जब प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होता है तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है. लेकिन वर्ब में आपको एक चीज ऐड करनी पड़ती है, या तो आप ऐड करेंगे एस या ई एस, क्लियर, और तब आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट. अब सवाल उठता है कि किस सब्जेक्ट में एस और एस ऐड करेंगे और किस में नहीं. तो कहां ऐड करेंगे, जिस सब्जेक्ट ही शी इट, थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन का क्या मतलब होता है, थर्ड पर्सन यानी किसी का भी नाम, जैसे रमेश, सुरेश, सीता, गीता, काम्या, अनन्या, कोई भी ये नाम आपका क्या है कि आपका कहलाता है थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन और प्लस सिंगुलर नंबर. सिंगुलर नंबर जैसे सिंगुलर प्लूरल आप जानते हैं, तो जब सिंगुलर नंबर हो, सिंगुलर हो, जैसे ये हम एक पेन की बात करें, पेन या पेंसिल, बुक, कॉपी, कोई एक चीज, अ गोट, तो वो हमारा सिंगुलर नंबर है. यानी अगर हमारा सब्जेक्ट क्या क्या होगा, ही शी इट, थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन मीन्स किसी का नाम या सिंगुलर नंबर. अगर इतना चीज हमारा सब्जेक्ट होगा
यानी इस सब्जेक्ट की जगह पे, ये इस सब्जेक्ट की जगह पे अगर इनमें से कोई भी चीज आती है, जैसे समझ लीजिए यहाँ शी आया, तो हमारा जो वर्ब होगा उसमें एस और यस एड हो जाएगा। अब जैसे इसी सेंटेंस को देखिए, यहाँ आपका सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ये ही आ रहा है हमारा, ठीक है। अब यहाँ वर्ब क्या था, गो, तो अब इसमें यहाँ लिखा है कि अगर ये आपका सब्जेक्ट होगा तो आपके वर्ब में एस या ईएस लग जाएगा, तो गो का क्या हो गया, गोज, फिर टू स्कूल, ओके। अगर अगर यही आपका सब्जेक्ट ये सब ना हो के दूसरे हो, जैसे अगर आपका सब्जेक्ट है आई, वी, दे, यू, अदरवाइज प्लूरल, जैसे उसमें सिंगुलर था इसमें क्या होगा, प्लूरल। अगर ये आपका सब्जेक्ट है तो यहाँ वर्ब में आपका एस और यस हट जाएगा, नहीं लगेगा। जैसे जस्ट सपोज करिए आपका सब्जेक्ट है आई, मैं स्कूल जाता हूं, मैं को क्या हुआ, आई। अब यहाँ पर वर्ब में आपका एस और यस नहीं लगेगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई, वर्ब क्या हुआ, गो, तो गो का गो ही रहेगा, आई गो टू स्कूल, ओके। जैसे मैं खाना बनाता हूं, आई, बनाने को क्या कहते हैं, कुक, आई कुक फूड, वह खाना बनाती है, शी कुक में ऐसा लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, शी, तो शी कुक्स फूड, इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। तो दिस यू कैन राइट डाउन कि कहां आपको एस और यस लगाना, किस सब्जेक्ट में यूज करना है, किस में नहीं, ओके। आई कैन राइट इट अगेन प्रॉपरली सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। राइट डाउन आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल, अगर ये आपका रहेगा तो आप डू नॉट यूज एस और ईएस विथ वर्ब। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, दे प्ले अ मैच, वो फुटबॉल खेलते हैं, तो वो के लिए क्या है, या दे, और फिर खेलने को क्या होता है, प्ले, प्ले में हम एस और यस नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो दे प्ले मैच। अगर इसी जगह हमारा ये आपका सब्जेक्ट क्या हो, ही, शी, इट, सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन, तब आप क्या करेंगे, यूज एस और ईएस, यूज एस और ईएस विथ वर्ब। ओके स्टूडेंट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड दिस शुड बी लर्न प्रॉपरली। इसका एग्जाम्पल हम कर सकते हैं, जैसे शी प्लेज अ मैच, ओके। सो दिस लर्न शुड, दिस रूल शुड बी लर्न बाय हार्ट। अगर ये रूल आपको याद रहेगा, बिल्कुल रटा होना चाहिए, ओनली देन यू कैन डू इट प्रॉपरली, ओके। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। Can I rub now? चलिए स्टूडेंट, कुछ हम इसका ये तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे सेंटेंस होते हैं, जिसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं होता, यानी नॉट, नेवर, ये सारे वर्ड्स नहीं होते, या कोई भी क्वेश्चन उसमें नहीं पुट अप किया जाता, ये हमारा सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। प्रेजेंट टेंस में अगर नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, स्टूडेंट आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश सो दैट इट कैन बी क्लियरर टू यू प्रॉपरली, बिकॉज आई वॉन्ट रिजल्ट। जब क्लास शुरू होगी तो आई विल आस्क गिव यू स्टेटमेंट एंड यू विल हैव टू सॉल्व इट, ओके। नाउ नेगेटिव सेंटेंस कैसे होगा, जैसे हम कहें कि मैं विद्यालय नहीं जाता हूं,
या मैं स्कूल नहीं जाता हूं, तो कैसे करेंगे? अब ये इसमें नहीं आ गया, इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस हो गया? नेगेटिव। तो नेगेटिव कैसे सॉल्व करेंगे? वही हमारा पुराना रूल है, आई वी दे यू, इसीलिए कह रहे हैं कि ये रूल आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। आई वी दे यू प्लूरल के साथ आप यूज करेंगे डू नॉट, डू नॉट प्लस वर्ब, ओके। और यही अगर आपका सब्जेक्ट हो, ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तब आप वहां क्या यूज करेंगे? तब वहां आप यूज करेंगे डज नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब, क्लियर। तो ये आपका नेगेटिव का रूल है। चलिए कुछ स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं हम। जैसे मेरी अध्यापिका क्लास पढ़ाती नहीं है, अगर हम कहें ऐसा, ऐसा होता नहीं, टीचर तो पढ़ाती है, पर फिर भी हम चलिए लिखते हैं कि माई टीचर, माई टीचर। अब ये टीचर कौन सा पर्सन हुआ? ये ना तो ही है, ना शी है, ना इट है, ना आई वी दे यू, तो क्या है ये? दिस इज थर्ड पर्सन, ये हमारा थर्ड, थर्ड पर्सन में नेम आता है तो ये थर्ड पर्सन नहीं होकर हमारा क्या हो गया? सिंगुलर। एक टीचर की बात करें ना, माई टीचर, माई टीचर्स कहता तो क्या होता? प्लूरल हो जाता। लेकिन ये टीचर की बात कर रहा है तो माई टीचर, ठीक है। अब माई टीचर सिंगुलर हो गया तो हम इसमें कौन सा वर्ब लगाएंगे? डू नॉट की डज नॉट, सिंगुलर में कौन सा वर्ब लगाना है? डज नॉट। तो हम लगाएंगे माई टीचर डज नॉट। अब क्या है? माई टीचर पढ़ाती नहीं है, तो पढ़ाने को क्या कहते हैं? को वर्ब क्या हुई? वर्ब यानी जो काम हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है। तो कौन सा एक्शन हो रहा है? पढ़ाने का। तो माई टीचर डज नॉट टीच, टी ई ए सी एच, टीच अस, ओके। व्हाट विल बी? माई टीचर डज नॉट टीच अस। अब जस्ट सपोज करिए कि इसमें टीचर की जगह टीचर्स होता, या होता दे, तब आप क्या करते? ये चिल्ड्रेन होता। जैसे हम कहें बच्चे पढ़ाई नहीं करते, तो हाउ कैन यू से द चिल्ड्रन? अब ये चिल्ड्रन क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? चाइल्ड हमारा सिंगुलर होता है, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन ऑब्वियसली प्लूरल है, और प्लूरल में क्या लगाएंगे नेगेटिव में? डू नॉट। द चिल्ड्रन डू नॉट, पढ़ने का क्या होता है? पढ़ाने का तो टीच होता है, और पढ़ने का स्टडी। द चिल्ड्रन डू नॉट स्टडी वेल, क्लियर। इज इट क्लियर हाउ टू डू नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट सिंपल? प्रेजेंट सिंपल के को नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको क्लियर हो गया? ओके, एक और चलते लेते हैं। अब जैसे हम कहें कि शी प्लेज फुटबॉल, स्टूडेंट ये रूल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। शी प्लेज फुटबॉल, जस्ट सपोज मैंने ये सेंटेंस दे दिया और आपसे कहा गया कि आप इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करिए, तो नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या सबसे पहला प्रोसीजर होगा? सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है? शी। रूल क्या है कि ही शी इट के साथ क्या लगेगा? डज नॉट। तो हमने डज नॉट लगाया, शी डज नॉट, क्लियर। फिर हमारा वर्ब क्या है? प्ले। तो वापस हम यहाँ प्लेज लिख देंगे? नो, दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि ये प्लेस का जो एस है, अब ये एस यहां पर से हट जाएगा, क्योंकि यही एस जो है आपका डज में चला आया। तो शी डज नॉट प्ले फुटबॉल हो जाएगा। स्टूडेंट मोस्टली स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं, वो डज नॉट डू नॉट तो लगा देते हैं, लेकिन यहां से जो एस रिमूव करना होता है, हटाना होता है, वो उसको भूल जाते हैं। 99% स्टूडेंट डू दिस एरर। तो आपको इसी एरर से बचना है। जब भी हम डज नॉट यूज करेंगे, यानी प्रेजेंट डेफिनेट को नेगेटिव में बनाएंगे, तो जो यहाँ पर पहले एस और यस लगा रहता है उसे हम यहाँ पर हटा देते हैं, क्लियर, ओके। चलिए नाउ लेट्स डू इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे करेंगे?
कौन से सेंटेंस होते हैं? जिस सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई क्वेश्चनिंग वर्ड नहीं रहेगा। जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या मम्मी तुम्हें पढ़ाती हैं, क्या खाना बन चुका है, या क्या तुम गाना गाती हो, इस तरह क्या वाले जो वर्ड, यानी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, वो आपका क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड, क्लियर? इसमें जैसे ये था, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन, लर्न दिस रूल, आई वी दे यू एंड प्लूरल, अगर ये रहेगा तो आपका क्वेश्चन बिगन होगा विथ डू, डू से बिगन होगा, क्लियर? और अगर यही है आपका सब्जेक्ट, ही शी इट थर्ड पर्सन या सिंगुलर है, तो आपका क्वेश्चन किससे बिगन होगा? दस। यानी अगर आपका सब्जेक्ट आई वी दे यू है तो डू से आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और अगर ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो आप दस से। जैसे क्या वो फुटबॉल खेलती है, जैसे हम कहें क्या वो शी, एक सेंटेंस हम दे दें, क्या वह गाना गाती है। स्टूडेंट हिंदी इसलिए और भी बता रहे हैं क्योंकि आपका ट्रांसलेशन में बहुत इजी पड़ेगा। अगर इस तरह से आप हिंदी से भी सीखेंगे तो आपको साथ साथ टेंस भी आ जाएगा, प्लस ट्रांसलेशन में भी आपको इजी पड़ेगा। क्या वो गाना गाती, हम सिंपल इसको बनाते हैं, इसमें क्या है सेंटेंस के अंत में क्या है आपका तातेती है, तो हम इसे क्या नहीं देखते, हम सिंपल बनाते हैं, वह गाना गाती है, क्या होगा शी, अब ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या होगा गाना, गाना गाने को क्या कहते हैं सिंग। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, एस और यस हमें लगाना है कि नहीं लगाना, शी क्या आपका सब्जेक्ट है, शी में एस और यस एड होता है, तो सिंग का क्या हो जाएगा सिंग, शी सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। अब अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या वो गाना गाती है, तो हम क्या को लिए क्या लगाएंगे, ही शी इट इन थर्ड पर्सन के लिए क्या लगाते हैं डस, तो हम यहाँ पर डस लगाएंगे, डी ओ ई एस, डस शी सिंग अ सॉन्ग, क्या इसमें अभी एरर है, यस देयर इज एन एरर। जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस में हमने बताया कि जब भी डस लगता है तो सेंटेंस में पहले से जो यह एस और यस लगा होता है उसे हम हटा देते हैं, क्योंकि वही एस और यस आपका डज में आ जाता है, तो डज शी सिंग अ सॉन्ग क्वेश्चन मार्क, डोंट फॉरगेट टू पुट इट, अदरवाइज योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। इसी तरह क्या तुम रोज विद्यालय जाते हो, तो क्या तुम हमारा सब्जेक्ट है, मींस यू, तो यू हमारा सब्जेक्ट है, तो क्या होगा, क्या लगेगा, आई वी दे यू के साथ क्या लगता है डू, तो डू यू स्कूल जाते हो, जाने को क्या कहते हैं गो, अब गो में एस और यस लगेगा कि नहीं, नहीं लगेगा क्योंकि आई वी दे यू के साथ एस और यस नहीं लगता, तो डू यू गो टू स्कूल, रोज का क्या होगा डेली या एवरी डे क्वेश्चन, क्लियर? सो दिस इज द वे हाउ यू विल कन्वर्ट अ सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव। ओके, जस्ट यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट, एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व फ्यू सेंटेंसेस। ओके, बिकॉज अंटिल यू डू द प्रैक्टिस इट कैन नॉट बी कंप्लीटेड, क्योंकि रूल्स तो हम बहुत पढ़ लेते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते, और प्रैक्टिस ना करने से होता है कि सारे रूल्स मिक्स हो जाते हैं, इसलिए प्रैक्टिस इज मस्ट, यू मस्ट डू द प्रैक्टिस। चलिए अब कन्वर्ट करिए, जैसे आपको एग्जाम में आएगा कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस as directed, convert the following sentences as directed, number one, now students see few sentences are written on the board and just we are going to solve it, okay, what is the question, just have the habit to read the question properly। सबसे पहले तो आप लोग में ये हैबिट होनी चाहिए कि आप लोग क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करेंगे। व्हाट इज द क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड,
एज डायरेक्टेड मीन्स जिस तरह से कहा गया है उसी फॉर्म में उसे आप कन्वर्ट करिए, बदलिए. जैसे फर्स्ट इज ही एंड शी प्लेड वेल. क्लियर? ये आपका स्टेटमेंट है और आपको कन्वर्ट किस में करना है? प्रेजेंट सिंपल में. प्रेजेंट सिंपल का क्या रूल था उसे रिवाइज करिए. आई वी दे यू और प्लूरल के साथ आप वर्ब में, कहाँ एस और यस नहीं लगाना, वर्ब में एस और यस नहीं यूज करना है. और ही शी इट और सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ वर्ब में आपको एस और यस यूज करना. ये आपका प्रेजेंट सिंपल का रूल था. लेट्स स्टार्ट. ही एंड शी प्लेड वेल. तो सबसे पहले तो जब हम प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड. तो फर्स्ट फॉर्म क्या हुई? प्ले. यहाँ पे क्या कौन सी फॉर्म लिखी? प्लेड. दिस इज द सेकेंड फॉर्म. तो हम यहीं पर एरर हमारी हो गई. अब यहाँ प्लेड ना होकर क्या हो जाएगा? प्ले होगा या तो प्लेज. चलिए करते हैं. ही एंड शी. अब बताइए यहाँ क्या होगा? प्ले होगा कि प्लेड? क्योंकि रूल आपका क्या था? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप वर्ब में एस और यस लगाएंगे और प्लूरल के साथ वर्ब में एस और यस नहीं लगाएंगे. तो ये ही और शी तो सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे इसका मतलब प्ले का क्या हो जाना चाहिए? प्लेज. बट नो, इट्स रॉन्ग. क्योंकि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाते हैं तो वो सिंगुलर ना होकर प्लूरल हो जाता है. अब ये एक नहीं होकर दो हो गया. तो यहाँ पर जब ये प्लूरल हो गया तो हमारे प्लूरल जब होता है तो वर्ब में एस और यस यूज नहीं होता. इसलिए रूल हमारा क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है, प्लूरल के साथ एस और यस नहीं लगता, तो दोनों आपका फिट हो गया. तो ही एंड शी प्ले वेल. दैट्स ऑल, फुल स्टॉप. एंड डोंट फॉरगेट टू पुट द फुल स्टॉप. ओके, क्लियर? फिर एक बार समझाते हैं. ही जब प्लूरल होता है तो वर्ब, पहली बात तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट डेफिनेट में. तो यहाँ प्लेड का क्या हो गया? प्ले हो गया. ठीक है, अब ये हम सोच सकते हैं यहाँ प्लेस भी हो सकता है क्योंकि ही शी के साथ एस और यस लगता है. लेकिन यहाँ प्लेज नहीं होगा क्योंकि ये ही और शी दोनों अलग अलग हैं पर एंड से जुड़ गए हैं, तो ये प्लूरल हो गया और प्लूरल में आपका फिर ये एस और यस नहीं हो सकता. नेक्स्ट इज पीपल फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड. किसमें कन्वर्ट करना है? नेगेटिव में. नेगेटिव में क्या लगेगा? या तो डू नॉट लगेगा या तो डज नॉट. सबसे पहले जैसे ही आपको सेंटेंस मिले आप तुरंत वर्ब को फाइंड आउट कर लिया. वर्ब क्या है? फॉलो. वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म. इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है. क्लियर? इसी तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है. सिर्फ वर्ब देखकर ही बताया जा सकता है. वर्ब हमारा क्या है? फॉलो. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो कि प्रेजेंट टेंस में यूज होती है, तो ये प्रेजेंट टेंस है. क्लियर? अब इसको नेगेटिव में बदलने के लिए या तो हमें डू नॉट यूज करना है या तो डज नॉट. अब डू नॉट किसके साथ लगता है? आई वी दे यू प्लूरल के साथ डू नॉट लगता है. तो ये पीपल, पीपल क्या है हमारा? पीपल हमारा सब्जेक्ट है. पीपल मीन्स क्या होता है? ढेर सारे लोग. तो ये प्लूरल हो गया. तो पीपल क्या होगा? डू नॉट या डज नॉट? डू नॉट. पीपल डू नॉट फॉलो. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, डू नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड. अब ये नहीं कि रूल्स का ऐसा हटा दें. आपको सिर्फ वर्ब का में जो एस और यस है उसे हटाना रहता है. ये नहीं कि कहीं का भी आप नाउन प्रोनाउन का वर्ब हटा देंगे, नाउन का. क्लियर? नेक्स्ट इज थर्ड इज सीता ओबेज हर पेरेंट्स. ओके, सबसे पहले वर्ब देखिए. वर्ब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ओबे, उसमें एस लगा, यानी आपका प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है. प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को अपना कन्वर्ट किसमें करना है? इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव का क्या रूल है? डू या डज, इससे आपका सेंटेंस शुरू होगा. तो आप अगर आपका सब्जेक्ट आई वी दे यू है तो आप डू से स्टार्ट करेंगे और ही शी इट है या थर्ड पर्सन है तो आप डज से. सीता क्या है? सीता आपका थर्ड पर्सन है, यानी किसी का नाम है, कोई पर्सन है, तो वहां क्या लगेगा? डज. सीता डज नॉट, वेट, इंटरोगेटिव है. वेट, वेट. अब चूंकि इसमें हम डज लगाएंगे इंटरोगेटिव में, तो यहां से डज से स्टार्ट करिए. डज सीता. अब ओबे का क्या हो जाएगा? ओबेज. नो, क्योंकि ये जो एस था वो आपका डज में आ गया है. ओके, इसलिए अब ओबेज का ओबे हो जाएगा. डज सीता ओबे
her parents? Question mark. Clear? And the last is his father teaches well. अब हम इसमें क्या सबसे पहले ढूंढेंगे? Verb. Verb क्या है? Teaches. Verb की कौन सी फॉर्म है? First फॉर्म है, यानी ये हमारा present definite tense है और हमें इसे कन्वर्ट करना है interrogative में. यानी हमें या तो sentence start करना है do से या does से. तो his father क्या होगा? Singular हुआ, father तो एक ही है, तो क्या होगा? Does. Does singular number के साथ does use होता है. तो does his father teaches का क्या हो जाएगा? इसका es हट जाएगा. तो क्या हो जाएगा? Does his father teach well? Question. Okay. So this is the few example of this present definite tense. And in the next video, we are going to have more practice, and that will be very beneficial for them. Till then, all of you read the rules and regulation properly. क्योंकि जब तक आपको रूल्स नहीं लर्न होगा तब तक ये प्रॉपर कर नहीं पाए. क्योंकि सेंटेंस रटने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आप रूल्स लर्न करिए और उसके बेस पर आप कोई भी सेंटेंस प्रॉपरली और करेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. तो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.